हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा इयररिंग कलेक्शन हॉल वीडियो। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फर्स्ट जो रिंग है वो है ये एक लीफ की शेप में। ये मैंने मेरी लोकल मार्केट से लिया था और इसका प्राइस 30 रुपीज़ मुझे पड़ा। और नेक्स्ट इज़ ये मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट किया था, ये करीब 60 रुपीज़ पड़ा। एंड नेक्स्ट इज़ ये एक रिंग, एक धान से तैयार है और ये मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने हैंडीक्राफ्ट फेयर से लिया हुआ है। इसका प्राइस मुझे याद नहीं है, मगर ये बहुत अच्छी क्वालिटी का इयररिंग है। ये बहुत ही अच्छा मुझे पसंद है। नेक्स्ट इज़ 3 फेदर इयररिंग, ये मुझे बहुत पसंद है। इसका इंडिविजुअल प्राइस 20 रुपीज़ का है। ये भी मैंने मेरी घर के सामने एक फेयर चल रही थी, मैंने ये उससे लिया है। इसका इंडिविजुअल प्राइस 20 रुपीज़ है। नेक्स्ट इज़ ये वाला इयर रिंग, ये आउल की फेदर रिंग है, मगर आउल की शेप में आप देख सकते हैं। ये मैंने क्लॉक फैक्ट्री से लिया है और ये बहुत ही लाइट वेट है और इसका MRP करीब 130 रुपीज़ मुझे पड़ा। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है, मगर थोड़ा महंगा है। नेक्स्ट इज़ दिस झुमकी और चांद वाली इयर रिंग, ये भी मुझे मेरी मम्मा ने दिया है। ये इसका प्राइस करीब 70 रुपीज़ है। नेक्स्ट इज़ दिस 2 पॉम्पम इयर रिंग, पॉम्पम इयर रिंग इसके अंदर एक इसके नीचे एक पर्ल लगा हुआ है। ये मैंने रिलायंस ट्रेंड से लिया हुआ है। इसका MRP है 275 रुपीज़। नेक्स्ट इज़ ये 2 इयररिंग, ये एक बटरफ्लाई की शेप में ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग और ये एक राउंड शेप में। ये बहुत ही बड़ा है, ये देखिए। इसका इंडिविजुअल प्राइस 50 रुपीज़ करके है और मैंने ये भी, मेरी घर के पास एक फेयर चल रही थी जनवरी मंथ में, तो मैंने ये उसमें से लिया है। नेक्स्ट इज दिस लॉन्ग हैवी वेट इयर रिंग, ये मुझे मेरी सासू माँ ने दिया है पूजा के टाइम पर। इसका MRP है करीब 375 या 350 रुपीज़। ये थोड़ा हेवी है। नेक्स्ट इज़ दिस इयर रिंग, दिस 2 इयर रिंग, ये तो कॉपर का है। ये इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। मैंने ये फ्लिपकार्ट से लिया हुआ है। ये 2 इयररिंग मैं बहुत यूज़ करती हूँ। ये 5 सेट में आए थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पहले आप ये 2 देख लीजिए, इसका डिज़ाइन सेम है, सिर्फ कलर अलग है। ये कॉपरिश है। ये 5 सेट का ये 2 है और ये 2 है। और ये एक है, ये एक है, ये वो 2 एक सेम डिज़ाइन था और ये 3 सेम डिज़ाइन में है। इसका कलर सिर्फ अलग है। ये भी कॉपर में ही है। इसका 5 सेट मैंने फ्लिपकार्ट से लिया हुआ है और इसका MRP है 575 रुपीज़। मैंने 2018 में ये लिया था, 2018 अगस्त मंथ में। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक
शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, मैंने ये फ्लिपकार्ट से लिया था। नेक्स्ट इज़ ये भी पांच का सेट मैं आपको दिखाती हूँ, और एक ब्लैक में है। ये देखिए ये ऐसी तरह दिखता है, बाल बाल की शेप में। ये ब्लैक है और ये दो स्काई कलर है, ये दो पिंक है, ये दो पर्पल कलर में है, और ये दो वाइट कलर में है। इसका भी क्वालिटी बहुत अच्छा है और ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत लाइट वेट है और आप दो तरफ से ही पहना सकते हैं इसको, इस तरह से भी और इस तरह से भी। और ये मुझे बहुत पसंद है, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही लिया था। ये पांच ईयर रिंग मैंने फ्लिपकार्ट से ही लिया था और ये मुझे करीब 275 या 235 मिला, रुपीज़ मिला, रुपीज़ में मिला। अगर इसका लिंक आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। मैंने ये फ्लिपकार्ट से लिया था पहले तो बताया। और ये एक अफगानी ईयर रिंग है, अफगानी ईयर रिंग है, ये थोड़ा हेवी है, ये थोड़ा बहुत ही हेवी है। मुझे ईयर रिंग बहुत पसंद आया, मैंने गड़ियाहाट से पिक किया था और ये मुझे करीब 180 रुपीस में मिला था। वो शॉपकीपर्स बता रहे थे कि वो 280 रुपीस, मैंने बार्गेन करके ये 180 रुपीस में करवाया है उन लोगों उनसे। नेक्स्ट इज दिस फिशी काइंड ऑफ ईयर रिंग, और ये बीच में टैसल की तरह फेदर लटका हुआ है। ये भी मैंने गड़ियाहाट से पिक किया था पूजा के टाइम पर और ये मुझे 180 रुपीस में मिला। ये भी मेरा एक फेवरेट ईयर रिंग है। नेक्स्ट इज ये दो मिरर ईयर रिंग छोटी छोटी हैं, ये मुझे 30 रुपीस में ये मिला था। और ये दिस टू ईयर रिंग दिस एंड दिस, ये रेड है और ये ब्लैक में से ना है, ये इंडिविजुअली 30 रुपीस मुझे पड़ा। नेक्स्ट इज दिस झुमके, ये भी मेरी मम्मा ने ही गिफ्ट किया है और इसका प्राइस है 70 रुपीस। नेक्स्ट इज दिस टू बहुत हेवी ईयर रिंग, बहुत हेवी है ये, आप देख सकते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है मगर मैं थोड़ा कम करती हूँ क्योंकि बहुत टाइम पहनने से ये मेरी कान में दर्द होने लगती है। ये भी मिरर ईयर रिंग है, मैंने ये भी गड़ियाहाट से पिक किया हुआ है और इसका MRP है 180 रुपीज़। ये मुझे बहुत पसंद है और ये ऑक्सीडाइज्ड है, इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। गड़ियाहाट के सारी ईयर रिंग और ज्वेलरी की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है और आप बार्गेन भी कर सकती है। नेक्स्ट इज दिस ईयर रिंग, ये भी ऑक्सीडाइज्ड है, ये ईयर रिंग मुझे बहुत पसंद है। ये भी थोड़ा हेवी है, बहुत हेवी नहीं जैसे मिरर और अफगानी रिंग वाली, मगर ये थोड़ा हेवी है आप कह सकती है। ये भी मैंने गड़ियाहाट से पिक किया था और इसका MRP है 180 रुपीज़। शॉपकीपर्स 220 रुपीज़ बता रही थी मगर मैंने 180 करवाया उससे करके लिया है। ये देखिए, ये मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत गॉर्जियस एक ईयर रिंग है, आप देख सकते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है जब पहन, सॉरी मुझे कि मुझसे मेरे हाथ से गिर गया है, ये पहन लेती हूँ मैं। ये देखिए मैंने ये पहन लिया है, नेक्स्ट इज दिस फूल बॉक्स, कार्डबोर्ड बॉक्स में ये फूल एक कैसल ईयर रिंग है। ये देखिए ये एक कैसल ईयर रिंग है, ये मैरून कलर में, ऊपर मैरून कलर से है और ये फोकस हो रही है, ये स्टोन के ऊपर और मीना
वर्क है और ये मैंने 180 रुपीस में लिया था गड़ियाहाट से। ये भी मेरी बहुत फेवरेट ईयर रिंग है। नेक्स्ट इज दिस ब्लू स्टोन टैसल ईयर रिंग, ये मैंने न्यू मार्केट से लिया हुआ है और ये मुझे पड़ा करीब 100 रुपीस में। हाँ, 100 रुपीस पे ये मुझे पड़ा। ये भी मेरी बहुत एक फेवरेट ईयर रिंग है, इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट इज दिस ईयर रिंग, ये कॉटन की टैसल ईयर रिंग है थ्रेडेड, ये कॉटन की टैसल ईयर रिंग है थ्रेडेड और मुझे ये फ्लिपकार्ट से मैंने इसको लिया है। इसका MRP क्वालिटी की बात कहूँ तो ये 275 रुपीज़ से वर्क नहीं करती, मगर फिर भी मैंने इसको लिया, मुझे ये बहुत पसंद आ रही थी और फ्लिपकार्ट से मैंने ये लिया है और साइट में तो ये सिल्की वर्क कर लग रही थी, सिल्की थ्रेड, मगर आने के बाद देखा कि कॉटन की थ्रेड है, मगर फिर भी ये बहुत गॉर्जियस है, बहुत खूबसूरत लगती है। मेरी एक रियॉन की कुर्ती है उससे मैच करके मैंने इसे पहनती हूँ। ये मुझे 275 रुपीज़ में पड़ा है और ये देखिए ये साड़ी ईयर रिंग, ये ब्लैक, ये पर्पल एंड वाइट में, ये मयूर के कलर से, पीकॉक के कलर से है। ये तीन ईयर रिंग मैंने मेरी घर के पास जो फेयर चल रही थी उसमें से लिया है और ये सारी ईयर रिंग इंडिविजुअली इसका प्राइस है 10 रुपीज़। ये 10 है, ये ब्लैक वाला 10 है, ये ब्लैक वाला दो, ये दो 10 रुपीज़ है और ये दो 10 रुपीज़ है एंड ये दो 10 रुपीज़ है। इसका क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं है, जैसी प्राइस वैसे क्वालिटी। ओके, नेक्स्ट इज दिस टू ईयर रिंग, ये टैसल ईयर रिंग जब फर्स्ट स्टार्ट हुई थी तो मैंने उस टाइम इसे पिक किया था, मैंने ये अमेज़ॉन से लिया था और इसका प्राइस आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसका प्राइस में जब आपको बोलूँगी ना तो आपको तो होश उड़ जाएंगी। इसका प्राइस है 500 रुपीज़, ये मुझे इतना महंगा पड़ा, मगर इसका क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखिए मैंने 2 या 3 बार पहना है और इसका थ्रेड साड़ी निकल गई है, अगर मैं खींचूँगी ना तो साड़ी थ्रेड निकल जाएगी। ये देखिए आप देख सकते हैं, तो मुझे ये बहुत पसंद है मगर इसका क्वालिटी बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैंने ये अमेज़ॉन से लिया है, इसका क्वालिटी मैम 500 रुपीज़ पे किया है तो क्वालिटी तो उससे होना चाहिए था ना। ये देखिए बहुत लॉन्ग है, मगर बहुत ही लॉन्ग है, आप देख सकते हैं। मुझे ये वाला बहुत पसंद है मगर क्वालिटी। नेक्स्ट इज दिस टैसल वाइट ईयर रिंग, मैंने बहुत पहना है और इस थोड़ा डार्की हो गई है, मगर फिर भी मैंने इसे रखा हुआ है क्योंकि इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। मैंने इसके लिए 6 रुपीज़ पे किया था और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। मैंने इसे बहुत बार पहना है, मैंने ये गड़ियाहाट से लिया था। मैंने आपको बताया ना गड़ियाहाट की ज्वेलरीज और ईयर रिंग का क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और आप बार्गेन भी कर सकते हैं, मगर मैंने इसमें थोड़ा सा भी बार्गेन नहीं किया क्योंकि शॉपकीपर बता रही थी कि इसका फिक्स प्राइस है 60 रुपीज़। नेक्स्ट इज दिस टू ईयर रिंग, ये बहुत हेवी है और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छे है, इसका थ्रेड का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और बहुत मोटा मोटा थ्रेड है इसका और ये ऊपर में ऑक्सीडाइज भी बहुत अच्छा है। मैंने इसे बहुत बार पहना है, बहुत महंगा है, मैंने ये क्लाथफैक्ट्री से नहीं लिया है। ये मुझे मेरी सासू माँ ने दिया है पूजा के टाइम पर और इसका प्राइस है 180 रुपीज़, ये भी मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने मेरी ईयर रिंग की साड़ी कलेक्शन आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपका ये वीडियो मुझे मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना कि मेरी वीडियो आप तक पहले ज़रूर पहुँचे, और मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मेरी ईयरिंग कलेक्शन वीडियो आपको कैसा लगा है। मैंने मेरी 2018 का ईयरिंग कलेक्शन आपके साथ शेयर किया है, 19 का अभी तक और कुछ 19 का कलेक्शन शेयर किया है। अभी तक 19 का कलेक्शन मैंने अच्छी से स्टार्ट करा नहीं है। सो आप अगर मेरा ज्वेलरी कलेक्शन भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। मुझे मेरी वहाँ पर मैं बहुत सारी फ़ोटो डालती रहती हूँ हर वक्त, बहुत बहुत अच्छी अच्छी, तो मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़रूर फॉलो करना व्यूवर्स। सो दोस्तों, ओके बाय।